के तो इसको घिन भी लग रही जैसे बन रहा ना, बहुत गंदा था। अरे कुछ फायदा हमारे सबका, तुम लोग कहीं रहने की व्यवस्था कहाँ हो पाती है हमारी आज। सभी लोगों को सुबह की नमस्कार। आज की सुबह को जिस प्रकार हो रही आप लोगों को दिखाते हैं। कल साहब हम लोगों ने इस जगह पर टेंट लगाए थे अपने, दो टेंट लगे हमारे यहाँ पर, आशा भाई का और अपना, मनोज भाई भी तैयार हो गए होंगे, और पीछे हमारी साइकिल है, और कुछ भाई लोग इधर आए हैं रात को, हमारे आने के बाद आए लोग हैं, और आप लोगों को दिखाते हैं कि किस जगह पर कल रात हमने कैंपिंग करी थी, अकबरपुर के श्री शिव बाबा धाम पे। देख सकता हूँ मंदिर है, सुबह सुबह का नज़ारा है, और ये मंदिर गेट से अंदर का ये है नज़ारा। यहाँ मंदिर तो है नहीं, पेड़ में लाल कपड़ा लपेट के रखा है जिसमें लिखा है ब्रह्मा शिवमणि श्री शिव धाम, शिव बाबा धाम से आगे यहीं पर देखिए आप, यहाँ पे भोलेनाथ और माँ पार्वती की मूर्तियाँ लगी हैं। कल शाम जब हम ये लोग यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर सुनसानी थी और एक भी दुकान नहीं थी, और सुबह देखिए आज यहाँ पे काफ़ी चहल पहल है, मेला लगा है मानो। मंदिर में कर लिए हम लोग ने दर्शन, अब करते हैं अपने टेंट पैक। मैंने कर ली अपनी साइकिल पैक, और आशा भाई भी लगे हैं पैक करने में, और मनोज भाई भी लगे हैं, चलते हैं आगे की तरफ। चलो जय श्री राम। रिकॉर्डिंग करते रहे लाइव चलते चल चल। आज की यात्रा शुरू कर दी हमने शिव बाबा धाम से। क्या कर रहा है आगे से कोई? हर हर महादेव। हर हर महादेव। अकबरपुर के शिव बाबा धाम से हमने अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। हम अभी दिखाते हैं आपको किस किस जगह से होते हुए आज हम वाराणसी की तरफ जाते हैं। यह है शिव बाबा धाम का गेट। हम पहुंच चुके हैं मेन रोड में, यहाँ से जाना है हमें बायां। अभी रास्ते से जा रहे थे, मेरे एक नई चीज़ दिखी, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। यहाँ पर बन रहे मिट्टी के कुल्लड़ बना रहे हैं अंकल। ये हुंडा बन रहा है शादी वादी में दूध पिलाने के लिए। अच्छा, शादी में दूध पिलाने के लिए हुंडा। ये देखिए किस तरीके से बन रहा है, और यहाँ पे बना के रखे हुए हैं तैयार करके। ये
पे आप लोग किस चीज़ का तैयार हो रहा है। नया कुंडा एक बना दिए इतने सारे हमको सुखाने के लिए रखे हैं। ये हुंडा है शादी में चार ये इधर भी रखे हैं बना के सुखाने के लिए अलग अलग टाइप के। बाद हम सब निकल ही रहे थे, हमें एक भाई साहब मिले ही जिन्होंने हमें चाय के लिए रोक लिया। यहाँ पर चाय पीते हैं फिर निकलते हैं आगे की तरफ। अभी कुल्लड़ बनते हुए देखा था, पीते हैं कुल्लड़ में चाय। और ये जलेबी, ये बहुत स्पेशल जलेबी है, आपने जलेबी खाई होगी चीनी वाली, ये है गुड़ वाली जलेबी। ये जो इसका पत्थर बना है ये गुड़ से बना हुआ है। दूध जलेबी खा ली हम लोगों ने, अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे चल रहे हमारे मनोज भाई और रासा भाई हैं पीछे। आज बहुत दिनों बाद धूप आई है, देख सकते हैं आप, जैकेट उतार ली हमने आज बड़े दिनों बाद। आज मौसम अच्छा है। अकबरपुर में पहुंच चुके हैं अब लोग। अभी आप लोग देख सकते हैं ये है अकबरपुर का नज़ारा, पूरे अकबरपुर में भगवान झंडा लहरा रहे हैं। अभी हैं हम लोग अकबरपुर के चौराहे पे, दिखाते हैं। देखिए आप, सुबह सुबह बहुत ट्रैफिक है इस जगह पे, ये देख सकते हैं। एक रोड इधर को गई है यहाँ से और हम लोगों ने जाना है इस तरफ को, और आए हम लोग इस तरफ से। अकबरपुर में ये है देखिए भगवान राम की मूर्ति, जय जय सिया राम। यह है अकबरपुर की साइकिल की दुकान और रासा भाई के ट्रक में आ रहे हैं तो जरा साइकिल चेक करवा रहे हैं। और मनोज भाई की जो है साइकिल की तिल्लियाँ ढीली हो चुकी हैं और ये भी दिखा रहे हैं, देखते हैं साइकिल का काम करवाते हैं। फिर चलते हैं आगे की तरफ। रासा भाई लोगों ने करा ली अपनी साइकिल सही, अब चलते हैं आगे की तरफ। चल भाई चल। अभी हम लोग अकबरपुर से आगे को जौनपुर वाली रोड में हैं और रोड से धुआं निकलते हुए दिखा और हमने यहाँ पे साइकिल रोक ली और देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। हेलो भैया, क्या बन रहा है इधर? गुड़ बन रहा। चलो देखते हैं गुड़ बन रहा है इधर कैसे बन रहा, गुड़ देखते हैं। इधर से गन्ने डाल रहे हैं इसमें ये लोग। हेलो भैया, जो गन्ने का रस निकल रहा कहाँ जा रहा है? यहाँ से वहाँ जा रहा है। अच्छा, अंडरग्राउंड बना रखा है इसका? हाँ, वहाँ जा रहा है, वहाँ से आराम जा रहा है। अच्छा, यहाँ से अंडरग्राउंड जा रहा है गन्ने का रस। किस में आ रहा है गन्ने का रस? वहाँ से सीधे ये आ रहा है, जो आ रहा है गन्ना वहाँ से ये आ रहा है सीधे। हाँ, रस वहाँ से आ रहा है, यहाँ से वहाँ से गन्ने का रस इधर आ रहा है। देखते आप लोग इधर जा रहा है और यहाँ से पकड़ा गुड़ और यहाँ से फिर और यहाँ से होके इधर जा रहा और इधर बना रहे हैं। इस जगह से आग जला रहे हैं लोग भट्टी के लिए जो गुड़ पकड़ा, और यहाँ से देखिए आग तेज हो रही है और एक कढ़ाई से दूसरी कढ़ाई में डाल रहे हैं ये गन्ने का रस और इधर जाके पकड़ा दिए। यहाँ गुड़ बना के रखा है इन्होंने, छोटी छोटी थैलियाँ बना रखी गुड़ की। जब गन्ने का रस निकल के आता है तो देख सकते हैं इसमें कितनी गंदगी होती है, ये देखिए आप। फिर इसके बाद यहाँ जाता है इसमें, फिर साफ करके इसको छान के फिर इस प्रोसेस आगे को बढ़ रही है इसमें, फिर उधर जाकर साफ हो जा रहा है। आपकी है ये फैक्ट्री? जी, इनकी फैक्ट्री का गुड़ टेस्ट करते हैं अभी। बढ़िया है गुड़, एकदम टेस्टी हो रहा
ठंड भी लग रही है जैसे बन रहा ना, बहुत ही ज़्यादा गंदगी है इसमें। गुड़ खाने में तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है, लेकिन इतनी गंदगी भी इस फैक्ट्री में देख के मन नहीं कर रहा था खाने का, लेकिन खा तो लिया मैंने बहुत। बच्चा पाल्टी दौड़ो कंपटीशन, बच्चे लोग स्कूल से आ रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो भाई? बढ़िया। और संगीन एकदम बढ़िया सी एक टोकरी दिख रही है, ये टोकरी कैसे बनती है आप लोगों को दिखाते हैं। अभी हम लोग हैं ताहापुर में, देखिए भाई साहब बना रहे टोकरी यहाँ पर, यहाँ पर लकड़ियों में कलर हो रहा है, कलर कर रहे हैं यहाँ पर, और ये भाई साहब यहाँ पर टोकरी बनाने में लगे हुए हैं। अरे कुछ फायदा हमारे सबके, तुम्हारा फायदा यह है कि सारे लोग देखेंगे तुम्हें भी कैसे बन रही टोकरी। बस ये फायदा, ये फायदा है। और ये सारा कुछ करने के बाद इसका ऐसे बन के तैयार हो गई ये टोकरी। अभी मैं अपनी अयोध्या की यात्रा कंप्लीट करने के बाद काशी विश्वनाथ की यात्रा के लिए निकल चुका हूँ। इस यात्रा के बीच कल रात हम लोग शिव बाबा धाम पर रुके थे। शिव बाबा धाम से आज हमारी यात्रा है जौनपुर तक, जो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है। और अभी हम लोग हैं करीब शाहगंज से 10 किलोमीटर पीछे, और हमारी यात्रा को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय सियाराम। अभी शाहगंज पहुंचने वाला हूं मैं, देख सकते हैं आप किस टाइप का रोड का माहौल है, बच्चे हो रही है, सारे बच्चे लगे हैं साइकिल से। ये देख सकते हैं पूरा झुंड साइकिल में, रोड में भेड़ों का झुंड। सरैया मोड़ का रेलवे फाटक है, देखो ट्रेन आ रही है यहाँ से। हेलो भैया, जौनपुर के लिए कौन सा है? जौनपुर। हम लोग पहुंच चुके हैं शाहगंज पे, ये शाहगंज का चौराहा। जौनपुर के लिए सीधा रास्ता है जौनपुर। बाहर निकल चुके हैं हम, अब जौनपुर बच गया है यहाँ से हमारा 33 किलोमीटर, और वाराणसी जो है 99 किलोमीटर। सनसेट होने के बाद यह देख सकते हैं आप लोग क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर, सामने तालाब और सनसेट भी। हम लोग जौनपुर पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आवासीय परिसर है, यहाँ अंदर यहाँ का विश्वविद्यालय का एक मंदिर दिख रहा है अंदर, देखते हैं अगर मंदिर में रहने की जगह मिलती है हमें तो पता करके आते हैं अंदर। नमस्कार सर जी, ये जो मंदिर है ना यहाँ पर, वो मंदिर में यहाँ रहने की है इसमें व्यवस्था? अंदर गए थे वहाँ गार्ड ने मना कर दिया, ये यूनिवर्सिटी का मंदिर है इसमें रहने की इजाज़त नहीं है कह के हमें वहाँ से
उन्होंने भेज दिया आगे को, देखते हैं आगे कुछ व्यवस्था होती है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जौनपुर में और आज तो सुबह से खाना भी नहीं खाया, सुबह जलेबी खाई थी, उसके बाद रास्ते में कुछ ऐसे हल्का फुल्का खा लिया और खाना नहीं खाया। अभी खाने के लिए रुके हैं हम लोग, ये है यहाँ पर कुछ ढाबा गोकुल ढाबा, और ये करिए हमने साइकिल खड़ी है, यहाँ करिए एक साइकिल यहाँ खड़ी करिए, मैंने इधर करिए खड़ी और मोबाइल लगा दिया चार्जिंग यहाँ पे, अब खाना खाते हैं। ये लग चुका है हमारा खाना, हाँ सुबह से निखार का खाना हम लोगों ने खाते हैं, खाना दाल सब्जी, दो सब्जियाँ लगी हैं, दाल और रोटी भी चावल भी मिलेंगे साथ में। खाना खा लिया हम लोगों ने, अब चलते हैं आगे की तरफ। काफ़ी रात हो चुकी है और हम घूम रहे हैं अभी जौनपुर में, देखते हैं कहीं रहने की व्यवस्था कहाँ हो पाती है हमारी आज। काफ़ी चहल पहल है रात में भी इस मार्केट में, देखिए आप। भैया हेलो भाई, हेलो भैया, यहाँ कोई मंदिर वंदिर है नज़दीक में? मंदिर वगैरह है कोई यहाँ पे गुरुद्वारा वगैरह, रात्रि विश्राम के लिए राम कट गए। फाइनली हमें अपनी रहने की जगह मिल चुकी है, ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच है, देखिए आप यहाँ पूरा जौनपुर शहर, और जौनपुर शहर के बीच में ही दुर्गा माता का मंदिर है, ये देख सकते हैं आप मंदिर दिख रहा है। और ये है अपनी साइकिलें खड़ी, ये साइकिल खड़ी कर रखी है, ये यहाँ मंदिर के पंडित जी हैं, और आप इसी जगह पे यहाँ पर भी लगाते हैं टेंट। टेंट लग चुके हैं हमारे और साइकिलें हमने बांध दी अपनी यहाँ पे, बीम से बांध दी, और यह है माता का मंदिर। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त।